हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा की हिंदी का पाठ 9 आसमान से परे को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे और साथ ही हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि हरियाणा की कल्पना चावला अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करके भारतीय महिलाओं के लिए भी अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग खोल दिया। तो ये सब हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में ही। हम कल्पना चावला के जीवन से संबंधित कुछ किस्से भी जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 9 आसमान से परे। तो सबसे पहले तो आप इस पिक को ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन है पता है? ये है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अब इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बचपन से ही इन्हें अंतरिक्ष में जाने का शौक था और किस तरह से वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अब देखो, पढ़ना शुरू करते हैं। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। तो बच्चों, आप इनकी जन्म तिथि जो है वो भी याद कर लीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा? ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन स्वर रहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब, जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके ओर छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा
अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक-एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत जरूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है, न ही इंतजाम होता है, इसलिए पहले से तैयार डिब्बा बंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी, उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस पिक को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है अंतरिक्ष की एक पिक दिखाई गई है। ये कल्पना चावला की जो है वो पहली यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। और ये देखिए, ये अंतरिक्ष यान में जाने वालों की ड्रेस होती है जो यहाँ पर पहन रखी है, और ये है अंतरिक्ष यान। अब आगे इसने कहा है कि कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही ना सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा और इस पाठ के माध्यम से हमने ये भी जाना कि किस तरह से कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाने का अपना स्वप्न पूरा किया। तो आज बच्चों, ये लेसन यहीं तक। आप सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप अच्छी तरह से एक बार लेसन को पढ़ लेते हैं
तो उसके बाद चाहे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। तो पाठ को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो बच्चों, हम एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी लेसन का जो अभ्यास है वो समझाने वाली हूँ। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।